तो दोस्तों इस फुटबॉल इवेंट के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल टूर टू स्पेन यानी कि फुटवियर सॉकर एकेडमी जो कि बार्सिलोना में है स्पेन में, वहां पर आपको एक इंटरनेशनल टूर मिल सकता है। साथ में आपको यूईएफए प्रो लाइसेंस कोच के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी वहां पर। सेकेंड चांस आपको मिल सकता है वो ये है कि 100 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको 2000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे 11 महीने तक रेगुलरली, एंड साथ में आपको फुटबॉल किट भी दी जाएगी। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी यहाँ पर। एंड फोर्थ जो सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे लगा कि इसमें इंडिया के हर एक स्टेट से प्लेयर अप्लाई कर सकता है, हर एक स्टेट में इसके टूर्नामेंट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड देन नेशनल लेवल पर। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस आप सब लोगों के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड इसमें बहुत ही बेहतरीन मैं अपडेट के बारे में शेयर करूंगा। एक फुटबॉल इवेंट है एंड काफी अच्छा इवेंट है ये। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन ये कंडक्ट करा रहा है, इसमें एज कट ऑफ क्या है, आपको इसमें कैसे चांस मिल सकता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसका प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन सी स्टेट के प्लेयर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने टीम्स डिवाइड होंगी, आपको कौन सी टीम में रखा जाएगा, देन आपको इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर स्पेन में कैसे चांस मिल सकता है फुटविया एकेडमी के साथ खेलने का, देन आपको इसमें अगर आप कोई डाउट हो तो आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सब चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि क्या है ना कि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक देखना। एंड जितने भी आप सब लोगों में से हमारे चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो जिससे कि आप लोगों को रेगुलरली ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्पोर्ट्स टैलेंट हंट एंड नर्चर फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव ये है कि वो इंडिया में से टैलेंटेड यंगस्टर्स को, टैलेंटेड प्लेयर्स को निकाले एंड देन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे एंड उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके ताकि वो एक आगे अच्छे लेवल पर खेल सके, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके एंड वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या एज कट ऑफ है। इसकी एज कट ऑफ है अंडर 15 एंड अंडर 19। अंडर 15 में वो प्लेयर्स आते हैं जिनकी एज कट ऑफ है 1 जनवरी 2007 के बाद, देन अंडर 19 में आते हैं वो प्लेयर्स जिनकी एज कट ऑफ है 1 जनवरी 2003 के बाद। एंड दोस्तों इसमें ना तीन फेजेस होंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन नेशनल। उसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आपको कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना इसलिए। देन मैं आपको बताता हूँ इसमें 20 स्टेट्स डिसाइडेड है, 450 डिस्ट्रिक्ट्स, 400 ऑफिशियल्स एंड 120 प्लस लोकेशंस। कौन कौन सी स्टेट इसमें आती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, असम, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी स्टेट्स में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। आप एज एन इंडिविजुअल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन इसमें क्या होगा कि जैसे आपका जो भी जोन होगा उसमें आपको किसी पर्टिकुलर टीम में डाल दिया जाएगा। जैसे मानो आपके डिस्ट्रिक्ट से आती है 16 टीमें तो चार पूल बना दिए जाएंगे, चारों पूल में चार चार टीम्स होंगी। देन आपका हर एक टीम के साथ मैच होगा, जितने भी आपके पूल में टीम्स होंगी तीन टीम्स उनके साथ मैच होगा। लीग बेसिस पे ये मैचेस होंगे, लीग कम नॉकआउट, पहले लीग देन नॉकआउट बेसिस पर। उसके बाद इसमें से विनिंग टीम डिसाइडेड होगी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कि विनिंग टीम फिर स्टेट के लिए जाएगी। वहां जो सेलेक्टर्स होंगे वो कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे हर एक टीम से, जो भी बेस्ट प्लेयर उनको लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन वो टीम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब सॉरी स्टेट लेवल पर खेलेगी एंड देन वहां से जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नेशनल लेवल पे खेलेंगे। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे डिस्ट्रिक्ट में था, हर एक टीम से कुछ कुछ प्लेयर सेलेक्ट होंगे जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे, ऐसी स्टेट में भी होगा। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका शेड्यूल क्या है। ये जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में चलेगा। ये एक नेशनल वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल तीन फेजेस होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। आपको इसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
जब आप उस लिंक के थ्रू जाओगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी डिटेल्स है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फिल करनी है। इसकी फीस है 2000 रुपीज, यानी इसमें वैसे 1999 है, मतलब अराउंड 2000 रुपीज इसकी फीस है। इसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे मिल सकता है, तो दोस्तों जिसकी नेशनल चैंपियनशिप होगी उससे पहले एक नेशनल कैंप लगेगा जिसमें कि हर एक स्टेट के प्लेयर्स आएंगे। उसमें क्या है, 18 प्लेयर्स होंगे हर एक स्टेट से, एक कोच होगा, एक मैनेजर, मतलब 20 मेंबर्स होंगे। उनको यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाएंगी। फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी, उनको प्लेइंग जर्सी प्रोवाइड की जाएगी, मील्स प्रोवाइड की जाएगी, एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी इन 20 मेंबर्स को, यानी 18 प्लेयर्स, एक कोच एंड एक मैनेजर। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे मिलेगा। जो कैंप होगा वहां से आपके लिए आपको सेलेक्टर्स आएंगे वहां से, देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल सेलेक्शन कमिटी से। उसमें आपको फुटवियर सॉकर एकेडमी जो कि बार्सिलोना में है स्पेन में, वहां पर खेलने का चांस मिलेगा जो प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे। देन आपको वहां पर यूईएफए प्रो लाइसेंस कोचेस के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इवन 100 प्लेयर्स वो सेलेक्ट करेंगे जिनको 2000 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ 11 महीने तक रेगुलरली। साथ में आपको फुटबॉल किट भी प्रोवाइड की जाएगी, इवन आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। एंड दोस्तों इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, आपको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा हर एक मैच में आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सब लोगों के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, इनकी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ एंड इनके जो मेल आईडी है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका जो भी डाउट है आप देख सकते हो, उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स, देन आप उसको उनको मेल भी कर सकते हो या फिर आप उनको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो बाकी की डिटेल्स। नहीं तो आप इवन मुझे भी इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हो, मेरी आईडी है khush_freestyle, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ, जो भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस ये आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो नेशनल कैंप होगा वहां से आपके पास चांस होगा कि आप लोग स्पेन में खेल सकते हैं। सो गाइस अभी तक मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई है उसका एक मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट एंड नर्चर फाउंडेशन ये कंडक्ट करा रहा है, अंडर 15 एंड अंडर 19 की इसमें एज कट ऑफ है। इसका शेड्यूल है जून से लेकर दिसंबर तक ये आपके टूर्नामेंट चलेंगे। इसमें तीन फेजेस है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड देन नेशनल। 20 स्टेट्स, 450 लोकेशंस, 400 ऑफिशियल, 120 प्लस लोकेशन। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लेयर्स आएंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टीम दी जाएगी, उसमें उनको टीम अलॉट कर दी जाएगी, देन उनके टूर्नामेंट्स होंगे लीग कम नॉकआउट बेसिस पर। जो प्लेयर्स डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खेलते हैं उनको देन अपने वो अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलेंगे यानी स्टेट लेवल पर, देन वहां पर जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको नेशनल कैंप के लिए बुलाया जाएगा एंड वो फिर नेशनल लेवल पे खेलेंगे। नेशनल कैंप पे आपका जो सिलेक्शन होगा वहां से आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है स्पेन के लिए, यानी फुटवियर सॉकर एकेडमी बार्सिलोना जो कि स्पेन में है वहां पर आपको चांस मिल सकता है। यूईएफए प्रो लाइसेंस कोचेस के द्वारा वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको टिप्स दी जाएगी, देन आपको ऑलमोस्ट इंडिया की हर एक स्टेट में कंडक्ट हो रहा है। एंड गाइस इसमें आपको बेनिफिट ये है कि 100 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे जिनको 2000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे 11 महीने तक रेगुलरली, प्लस फुटबॉल किट साथ में, इवन आपके पास स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। एंड हर एक पूल में 4 टीम्स होंगी, लीग कम नॉकआउट बेसिस पर ये चलेगा। जो नेशनल कैंप होगा उसमें आपको हर एक टीम को 18 प्लेयर सेलेक्ट होंगे, एक कोच होगा, एक मैनेजर होगा, आपकी जो उसमें मील, आपकी जो मील से एकोमोडेशन है वो उन 20 प्लेयर्स को मिलेगी, 20 मेंबर्स को मिलेगी जिसमें कोच एंड मैनेजर भी इंक्लूड है। साथ में आपको प्लेइंग जर्सी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या कोई भी डाउट है तो उनकी वेबसाइट का लिंक साथ में कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इवन इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिसकी फीस है 2000 रुपीज पर पर्सन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड आप सब लोगों के पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे भी इंस्टा पर पूछ सकते हो, मेरी आईडी है khush_freestyle। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कम ऑन इंडिया, लेट्स प्ले फुटबॉल।